जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार के बारे में। दोस्तों, बेरोजगार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो PPT के माध्यम से यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों जब भी BED किया जाता है तो उसमें एक PPT बनाना होता है, PPT आना चाहिए, ताकि वो जो होता है PPT होता है वह काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपनी ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि बेरोजगारी या बेकारी वह चीज होती है जिसमें कोई व्यक्ति योग्य है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, या फिर वह किसी कंपनी संस्थान से जुड़ा नहीं होता है और ना ही उसका कोई खुद का व्यवसाय होता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बेरोजगारी की परिभाषा। इस वीडियो में हमने एक ही परिभाषा लिया है। बेरोजगारी उस व्यक्ति की स्थिति जो काम करने में सक्षम है, सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है लेकिन कोई काम खोजने में असमर्थ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेरोजगार माने जाने के लिए एक व्यक्ति को श्रम बल का एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए और परिश्रमिक कार्य की तलाश में होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति सक्रिय सदस्य होना चाहिए और वह काम की तलाश कर रहा हो, और काम जब तक कि वह काम की तलाश कर रहा है तब तक तो बेरोजगार कहलाता है, लेकिन जब वह काम की तलाश करना बंद कर देता है तो उसे बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सक्षम है और वह काम की तलाश नहीं कर रहा है तो उसे बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। अब हम दोस्तों जानते हैं कि बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों, बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं: मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। बारी बारी करके दोस्तों एक एक स्लाइड में हम एक एक बेरोजगारी के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी जो होता है यह मुख्यतः कृषि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो कृषि से संबंधित होता है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि के कार्यों में समय आदि के कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो मौसमी बेरोजगारी है यह कृषि से संबंधित होता है, क्योंकि आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि जब कृषि से संबंधित कोई कार्य होता है तो उस समय व्यक्ति लगे होते हैं, लेकिन जब फसल के उत्पादन का टाइम आता है, जब फसल उगता रहता है, तो उसमें किसी भी किसान का कोई रोल नहीं होता है, तो इस तरीके की बेरोजगारी जो होती है वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। आगे दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार चक्रीय बेरोजगारी क्या है। दोस्तों, इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम हो जाता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि यानी कि जब अर्थव्यवस्था में बढ़ाव आता है, चढ़ाव आता है, तो उस समय ऐसा होता है कि लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे किसी कंपनी को स्थापित किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, रख लिया जाता है, लेकिन जब क्या होता है कंपनी का पतन होता है तो उस समय वहाँ पर रहने वाले लोग को बेरोजगार होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिलता है।
अब दोस्तों हम जानते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी वे बेरोजगारी होती है जिसमें कि क्या होता है कि बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। दीर्घकालिक कहने का अर्थ है लंबे समय में। उदाहरण के लिए यदि लिया जाए तो भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। जब भी कभी होती है मतलब कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। तो यहाँ पे कहने का आशय था जैसे कि स्कूटर का उत्पादन भारत में बंद हो गया तो स्कूटर में जो काम कर रहे व्यक्ति मतलब कि उस कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति थे वे उन्हें कार बनाने की स्किल नहीं आती थी इसलिए उन्हें क्या होना पड़ा बेरोजगार होना पड़ा। अब उन्हें कार बनाने की स्किल सीखनी होगी और जब कार बनाने की मतलब स्किल आ जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं कार में जुट सकते हैं। लेकिन जब तक उन्हें कार बनाने की स्किल नहीं होगी तो वो इस रोजगार में नहीं जुड़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी दोस्तों वे बेरोजगारी होती है जिसमें कि व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर के दूसरे रोजगार की तलाश में होता है और इस दौरान जब वह नए रोजगार से जुड़ जाता है तब तो बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन जब तक वह नए रोजगार को खोजने में अपना समय जो गंवाता है उसे क्या कहते हैं उसे बेरोजगार कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति कोई रोजगार कर रहा है और वो उस रोजगार को छोड़ करके किसी नए रोजगार की तलाश में होता है तो जब तक उसे नया रोजगार नहीं मिलता है तो उसे संघर्षात्मक बेरोजगार कहा जाता है। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। कहने का अर्थ है दोस्तों कि कोई किसान है वह अपने एक बीघा जमीन में 10 क्विंटल का उत्पादन कर रहा है लेकिन उसी किसान के 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे भी किसान के साथ मिल करके उस खेत में मदद करते हैं लेकिन उत्पादन की मात्रा यदि 10 क्विंटल ही है तो इस तरीके की बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी कहलाती है क्योंकि किसान अकेले 10 क्विंटल का उत्पादन कर रहा है और 3 लोग मिल करके भी 10 क्विंटल का ही उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति को यदि हटा भी दिया जाए उत्पादन की मात्रा उतनी ही होगी तो इस तरीके की बेरोजगारी क्या कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का बेरोजगारी हम देखते हैं कि अगला टाइप है दोस्तों अर्ध बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी क्या होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो ऐसी अवस्था को ही अर्ध बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम की तलाश में है और उसका मालिक उसको नहीं रखना चाहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें इतने ही पैसे मैं दूंगा तुम्हें काम करना हो तो करो या फिर मत करो तो मजबूरन उस व्यक्ति को उसने मतलब कि कम पैसे में काम करना पड़ता है। तो इस तरह की बेरोजगारी जो होती है वह अर्ध बेरोजगारी होती है। क्या दोस्तों आपने भी इस तरीके की बेरोजगारी देखी है। अब दोस्तों हम जानते हैं बेरोजगारी के कारण क्या है काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बेरोजगारी का मुख्य कारण है वृद्धि की धीमी गति। रोजगार का आकार प्रायः बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। आयोजन काल के दौरान हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है परंतु वृद्धि की दर लक्षित दर की तुलना में बहुत नीची है।
कहने का अर्थ है जो उत्पादन यानी कि विकास तो होता जा रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लोगों को रोजगार जो ये बना करके चला गया कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकास भी होगा, तो मतलब मशीनें इतने ज्यादा होंगे, मशीनें बहुत तेजी से काम कर रही कि वहां पे लगे लोगों को, मतलब कि जो काम लोग कर रहे थे उसे अब मशीन कर रही है, जिसके कारण उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। ये दोस्तों थे बेरोजगारी का मुख्य कारण। अब हम देखते हैं उसके बेरोजगारी के प्रभाव क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी फ्रेंड्स, उच्च बेरोजगारी आर्थिक असमानता को बढ़ाती है और आर्थिक विकास को हानि पहुंचाती है। बेरोजगारी कई कारणों से उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकती है। कामकाजी लोग उत्पादक होते हैं, जब वे काम नहीं करते तो पूरी अर्थव्यवस्था कम प्रभावी होती है। कहने का अर्थ है बेरोजगारी का जो कारण है वो सॉरी बेरोजगारी का जो प्रभाव है वह हमारे देश को ही भुगतना पड़ता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित करता है, यानी कि आर्थिक विकास को हानि पहुंचाती है। दोस्तों अब इस वीडियो को हम करते हैं एंडिंग, यानी कि लास्ट में होता है हमारा थैंक यू। देखते हैं किस तरीके से मैंने थैंक यू थीम बनाया हुआ है, क्योंकि लास्ट पेज को थैंक यू एड करना होगा।